अगर बदला लेने से मेरी बेटी वापस आ जाती तो शायद मैं बदला जरूर लेती। स्टिल फिर भी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास वक्त बहुत कम है इसलिए जो भी कहना जल्दी कहिए। आप में से कौन बोलेगा? जी मैं। बोलिए। जी हम उन जैसी महिलाओं के लिए जो मर्दों के जुल्म का शिकार होकर बर्बाद हो जाती हैं, हम चंदा इकट्ठा करने आए हैं। आप कुछ? पहली बात यह कि मैं खुद एक मर्द हूँ और ऐसे किसी मोमेंट में आपका साथ नहीं दे सकता जो मर्दों के खिलाफ चलाया जा रहा हो। और दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि चंदे के पैसे से आप किसी को अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू एनी मनी। कम से कम आप ऐसी औरतों का मुकदमा तो लड़ सकते हैं जो आपको फीस नहीं दे सकती। मुकदमा लड़ना मेरा शौक नहीं, मेरा पेशा है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप लोग मेरा वक्त बर्बाद मत करिए। टाइम इज मनी। थैंक यू। सही राम राम जी, मैं आपको वकील करने आया हूँ। केस क्या है? बलात्कार का। आपने किया है? जी जी नहीं, मेरे बेटे ने। लगता नहीं तो मेरी फीस दे सकोगे। मैं पैसा लेकर आया हूं। ओके, बैठिए बैठिए। देखने में कितने शरीफ लगते हैं। योर ऑनर, कोई ये कैसे मान सकता है कि इतने शरीफ घराने के शरीफ लड़के इतना बड़ा जुर्म कर सकते हैं? खैर, मिस्टर सुखदेव, आपने अभी कहा कि मिस किरण दत्त से आपकी पुरानी जान पहचान है। जी मिलॉर्ड, मेरी मिस किरण दत्त से पुरानी जान पहचान थी। इन्होंने उस रात मुझे डिनर पर बुलाया। नहीं, ये झूठ है। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं थी। योर ऑनर, अगर इनके इरादे नेक ना होते तो ये अपने दोस्तों के साथ वहां नहीं जाते बल्कि अकेले जाते। तो आप इनके घर अपने दोस्तों के साथ पहुंचे। जी हाँ योर ऑनर, जब हम वहां पहुंचे तो मुझे अकेला न देखकर इन्हें बड़ी मायूसी हुई। फिर इन्होंने हमें अंदर बुला लिया। यानी आप चारों को अंदर बुला लिया? जी हाँ। गुड। उसके बाद योर ऑनर, मिस किरण दत्त ने इन चार बच्चों को अंदर बुलाकर शराब पेश की। ये बेचारे शराब पीते तो क्या सूंघते तक नहीं थे, लेकिन मिस किरण दत्त ने जिद की और खुद भी शराब पी और इन बेचारे बच्चों को भी शराब पीने पर मजबूर कर दिया। योर ऑनर, फिर ये मुझे अपने बेडरूम में ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर इन्होंने म्यूजिक लगा दिया और डांस करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे योर ऑनर, इन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। नो, दैट्स अ लाई, ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर वही हुआ जो इन्होंने चाहा। योर ऑनर, आखिर मैं इंसान हूं। जज साहब, इनकी बातें सुनकर मुझे शर्म आती है। मैंने आज तक ऐसी चालू औरत को नहीं देखा। जज साहब, मैं बहुत शरीफ इंसान हूं और आज से औरत के नाम से मुझे नफरत हो गई है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर किरण दत्त ने मेरी इज्जत लूटी है और इन्होंने मुझे यहां काटा, यहां काटा। बड़ी बेशर्म औरत है ये। जज साहब, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि ये डिनर मुझे इतना भारी पड़ेगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ कभी नहीं जाता। लेकिन योर ऑनर, मेडिकल रिपोर्ट का कहना है कि जबरदस्ती हुई। यस योर ऑनर, जबरदस्ती हुई, लेकिन जबरदस्ती की इन्होंने। मिस किरण दत्त को मारा पीटा भी गया और यहां तक कि इनके कमरे में तोड़फोड़ भी की। यस आई एग्री, ऐसा हुआ। जब इन चार बच्चों ने मिस किरण दत्त की आवाज से बचना चाहा तो ये पागल हो गई। इन्होंने उन्हें काटना और पीटना शुरू कर दिया। ऐसे में उनका अपना बचाव करना लाजमी था। ये सब बकवास है मिलॉर्ड, इनकी बातें घिन आती है। तुम कौन हो यंग मैन? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यहां विटनेस बॉक्स में आकर कहो। यह हो ना मुअज्जिज़ वकील, मिस किरण दत्त पर बेहूदा तोहमतें लगा रहे हैं। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश हूं, मेरी मिस किरण दत्त से शादी होने वाली है। योर ऑनर, मैं यही साबित करना चाहता हूं, जब मिस किरण दत्त के मंगेतर डॉक्टर सूरज ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो इन्होंने एक चाल चली।
पुलिस ऑफिसर होने के नाते कानून तो जानती थी, इन्होंने इन मासूम बच्चों पर बलात्कार का इल्जाम लगा दिया। What nonsense! औरत भी कभी रेप कर सकती है? Your Honor, मेरे काबिल दोस्त नहीं जानते कि दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। One minute, please. औरत भी रेप कर सकती है। Here is the proof. एक औरत ने एक मर्द की इज्जत लूट ली। एक औरत ने एक मर्द के साथ बलात्कार किया और उसके बाद स्प्रिंच Yes, it's quite possible. You may be right. इन लड़कों को बरी किया जाता है। The case is dismissed. अखबार देखे क्या? रेप केस में किरण दत्त मुकदमा हार गई ना? मुकदमे में एक फरीक जीतेगा और दूसरा हारेगा, इसमें कौन सी नई बात है? तो मर्द लोग में कितने बेदर्द हैं। ये रेप केस है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर का। क्यों, पुलिस ऑफिसर इंसान नहीं होते क्या? और अगर होते हैं तो उनके साथ भी वो सब कुछ हो सकता है जो एक आम आदमी के साथ होता है। सुनो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पुरानी जिंदगी के किस्से भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखा तूने, बारिश के बाद सूरज की किरणें सोने जैसी हो गई है ना? ऐसा नहीं लगता कि दूर देश की कोई चिड़िया हमारे आंगन में आई है। सुनो तो, कितना मीठा राग गाती उन्हें। ले, थोड़ा नाश्ता कर ले। खा रही दीवानी, ये दलिया है, ये तो तू कितने शौक से खाती थी ना। ले ले बहना। खुदा हाफिज सलमा डार्लिंग। चाइना, चाइना, क्या जी तुम्हें? जब तुम अच्छी तरह जानते कि चाइना मर्दा की परछाई से भी कांपती, तो क्यों उसके सामने आते कहते? I'm sorry. चाइना, पुलिस की नौकरी छोड़ रही हो? हाँ, मेरी आत्मा, बदन, दिल, दिमाग, हर चीज जख्मी और पहली हो चुकी है। ना सर उठाकर चल सकती हूँ, ना आंख मिलाकर बात कर सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर शख्स, हर चीज मुझ पर हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है।
पुलिस ऑफिसर तो क्या,